हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 स्मार्टफोन के बारे में, जो आपको 25 से लेकर 30 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। गेमिंग यहाँ पर अच्छा देखने को मिलने वाला है आपको सही फोनों में, बाकी आपको कैमरा भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, 4K वीडियो आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो स्टेबिलिटी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी 120 Hz और 144 Hz का आपको रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको अच्छा खासा ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, बैटरी लाइफ आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा, सभी में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अच्छा देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ओप्पो रेनो 8 5G के बारे में। ये फोन दोस्तों आपको 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है 29,999 रुपये में। वैसे दोस्तों, रेनो सीरीज के जितने भी फोन है सभी थोड़े आपको स्टाइलिश और प्रीमियम लुक का देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको प्लास्टिक फ्रेम भी देखने को मिलता है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर इसके डिस्प्ले के बारे में, तो 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 90 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले में आपको अच्छा खासा ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, बात करते इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है। यहाँ पर 6 लाख के आसपास आपको अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है, तो गेमिंग भी आप इस फोन में आसानी से कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 80 वाट का आपको सुपर बुक चार्जिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी ट्रिपल कैमरा का सेटअप आपको रियर साइड में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 50 MP का प्राइमरी कैमरा होगा, 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो रियर साइड से आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे देगा, तो कैमरा आउटपुट भी आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी एक अच्छा फोन है, LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाएगा, UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है इस फोन में, तो आपको एक अच्छा फोन देखने को मिलता है ओप्पो की तरफ से, अगर आप इसके साथ जाना चाहें। गेमिंग वगैरह आप आसानी से इसमें कर पाएंगे, नो डाउट। बाकी अगर आप इसके साथ जाना चाहें 30 हज़ार के अंदर, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। अगला फोन है दोस्तों हम लोग का आईक्यू नियो 6 5G। ये फोन दोस्तों एक 5G फोन है और इसमें आपको 4 5G बैंड देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो टॉप क्लास का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलता है, जो कि 30 हज़ार के अंदर सबसे दमदार प्रोसेसर है अभी तक। इसमें आपको अंततः स्कोर 7,45,000 के आसपास देखने को मिलता है, LPDDR5 और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, तो रैम और रोम भी यहाँ पर आपको फास्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में, तो 6.6 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 120 Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, HDR10+ का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, और डिस्प्ले में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा देखने को मिलता है इसका डिस्प्ले। भाई दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर इसके कैमरा मॉडल के बारे में, तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है रियर में, 64 MP के साथ 8 MP और 2 MP का 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे देगा, OIS सपोर्ट देखने को मिलता है, तो वीडियो स्टेबिलिटी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी रिकॉर्डिंग में। बाकी आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 80 वाट का आपको फ्लैश चार्जिंग देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एक अच्छा फोन देखने को मिल जाता है आईक्यू की तरफ से, अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए लेना चाहते हैं तो इस फोन के साथ जा सकते हैं। अंतुतु स्कोर यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलता है, कैमरा आउटपुट भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी अच्छा देखने को मिलता है, और डिस्प्ले तो आपको बढ़िया देखने को मिल ही रहा है। बाकी एंड्रॉइड 12 आपको देखने को मिलता है फ्रंट टच ओएस के साथ। और प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज का आपको 29,999 रुपया पड़ने वाला है, यानी कि 30 हज़ार से 1 रुपया कम पड़ जाएगा ऑनलाइन मार्केट में। बाकी दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। अगला फोन है हम लोग का Redmi K50i। ये फोन दोस्तों एक 5G फोन है और यहाँ पर आपको अच्छा खासा 5G बैंड देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है आपको सिर्फ और सिर्फ 26 हज़ार में। और अगला वेरिएंट है इसका 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि दोस्तों आपको मिलता है 28,999 रुपया में। LPDDR5 का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 8100 देखने को मिलता है, जिसमें आपको टॉप क्लास का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अंतुतु स्कोर 8 लाख के पार देखने को मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस का अंदाजा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर एमोलेड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिफ्रेश रेट आपको 144 Hz का देखने को मिल जाएगा। डॉल्बी विजन यहाँ पर आपको डिस्प्ले में सपोर्ट करता है, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल जाएगा। एमोलेड के मुकाबले एक अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे देगा, 64, 8 और 2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी यहाँ पर आपको 5,080 mAh की देखने को मिलती है, और 67 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। इस फोन में आपको इंडस्ट्री फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, IR ब्लास्टर जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 2 साल तक मेजर अपडेट्स इस फोन में देखने को मिल जाएगा, और सिक्योरिटी अपडेट्स तो आपको मिलता ही रहेगा।
बाकी दोस्तों एक अच्छा फ़ोन है, अगर आप 30,000 के अंदर इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक दमदार प्रोसेसर देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में तीनों फोन में से कौन सा फ़ोन आपको अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।